नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर स्लीव की डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। यहाँ पर मैंने ये नॉर्मल एल्बो लेंथ तक की स्लीव को कट किया हुआ है और इसी के लिए हमें एक स्ट्रिप की ज़रूरत रहेगी। इस तरह से इसको हम फोल्ड करते हैं और इसकी चौड़ाई है 4 इंच की। यहाँ फोल्डेड भाग से हम लोग 3 इंच पे मार्क करेंगे और फिर इस तरह से ये कर्व का शेप देना है। स्ट्रिप को ओपन करके हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि ये जो शेप है दूसरी साइड में भी एग्जैक्ट वैसे आ सके। फिर इस मार्क पे हम ये ड्रॉ कर देंगे। इसे प्लेस करना है हमारे स्लीव की राइट साइड में और यहाँ जो हिस्सा है स्लीव का सेंटर का भाग वहाँ पे भी एक मार्क देंगे और स्ट्रिप को यहाँ पर इसके सेंटर में इस तरह से प्लेस करेंगे और साइड का जो पार्ट है वहाँ हमने ये थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन के लिए इस तरह से मार्क देना है। फिर इस जो मार्क है इसके ऊपर ऊपर हमें एक सिलाई लेनी है। ये सिलाई लेने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट करेंगे और जहाँ नोच देने हैं वहाँ नोच देंगे। ये ऊपर जो वी का शेप है वहाँ पर भी सही से कट देना है। फिर यहाँ जो ये स्ट्रिप है इसको हम लगभग 1 इंच का रोक के बाकी का हिस्सा कट करेंगे और फिर इसे रॉन्ग साइड में टर्न करना है। पूरा रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और फिर ऊपर की यहाँ पर फिनिशिंग के लिए पट्टी को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लेंगे। इस तरह से ये इसकी फिनिशिंग हो गई है और इसे चेक करना है कि कितना है यहाँ का हिस्सा। ये लगभग 15.5 इंच का है। इसके दोनों साइड में 1.5 इंच का सिलाई का मार्जिन है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक फ्रिल आएगी तो जो स्ट्रिप लेंगे हम वो लगभग 40 इंच की है और इसकी चौड़ाई है 2 इंच की। तो यहाँ ये जो स्ट्रिप है इसकी एक साइड में हम पट्टी फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग लेंगे। यहाँ पर पतली सी पट्टी फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लेनी है। इसके बाद ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर 1.5 इंच का हिस्सा छोड़ देंगे और इसके बाद में प्लीस लेंगे। ये 1.5 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, इसके लिए हमने इसे स्ट्रेट छोड़ा है और ये दोनों साइड में छोड़ना है। इस तरह से ये हमारी प्लीट्स की स्ट्रिप बनके रेडी है। यहाँ इसे अटैच करने से पहले हम लेंगे यहाँ एक लेस। इस लेस का ऊपर का हिस्सा बाहर की ओर शो होगा और एक साइड का हिस्सा दब जाएगा सिलाई के अंदर। तो यहाँ सिर के ऊपर की साइड में इस तरह से प्लेस करेंगे और इस लेस का हिस्सा इस तरह से इसके ऊपर रख के सिलाई लेंगे तो तीनों एक साथ यहाँ पर अटैच हो जाएंगे।
ये प्लीज वाली फिर स्लीव्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुड़ जाएगी। वही पूरी स्लीव्स में इस तरह से अटैच करना है। इस तरह से ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ये फ्रिल यहाँ पे अटैच हो गई है और इसके ऊपर एक आयरन से इसे हार्ड आयरन से इसे प्रेस कर देना है। ये सेंटर का जो हिस्सा है वो इससे दब जाएगा और इसके ऊपर हम लोग लेंगे दो बटन। यहाँ बटन अटैच करने के बाद इस तरह से रहेगी। इस तरह से ये हमारी स्लीव की डिज़ाइन बनके रेडी है और ये बहुत ही अच्छा लुक देती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।